जब मैं इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था ना, तो कुछ ऐसी ऐसी शॉकिंग बातें मुझे पता चली कि मैं खुद सोच में पड़ गया कि हम इतने सालों तक क्या कर रहे थे और एक्चुअल में हमें क्या करना चाहिए था और किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए था। चलिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हम धनतेरस का त्यौहार क्यों मनाते हैं और क्या ऐसी चीज़ें थी कि हम उल्टा कर रहे हैं और हमको अब सीधा कर ही लेना चाहिए। तो अगर मैं आपको धनतेरस के बारे में बताऊं, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि धनतेरस का जो त्यौहार है वो कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। अब यहाँ पर ये जो धनतेरस का त्यौहार है वो हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि समुद्र मंथन के वक्त विष्णु जी के जो अवतार हैं वो अपने हाथों में कलश लिए प्रकट हुए थे, मतलब अमृत का जो कलश है उसको लेकर प्रकट हुए थे, और वो थे भगवान धन्वंतरी। अब ये जो भगवान धन्वंतरी हैं वो एक तरीके से देखा जाए तो आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। हालांकि यहाँ पर जनक का ये मतलब नहीं है कि उन्होंने आयुर्वेद का एक तरीके से नियम बनाए थे या फिर एक तरीके से उन नियमों का निर्माण किया था। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब वो समुद्र मंथन के वक्त प्रकट हुए थे तो एक तरीके से उन्होंने जब प्रकट हुए थे तो एक तरीके से वो आयुर्वेद को उन्होंने प्रकट किया था। तो एक तरीके से उन्होंने आयुर्वेद की जानकारी दी थी या फिर आयुर्वेद को लोगों के सामने रखा था। तो यहाँ पर अब यह लोगों का एक तरीके से ये विचार हो गया, जैसा कि हम जानते हैं कि मैंने आपको बताया भी कि भगवान धन्वंतरी जो थे जब वो प्रकट हुए, विष्णु के अवतार जो हैं वो जब प्रकट हुए तो उनके हाथ में अमृत का कलश था। तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये जो कलश है वही एक तरीके से उनके लिए शुभ हो सकता है, यानी कि धनतेरस के दिन अब लोगों ने सोने चांदी जेवरात ये सब खरीदना शुरू कर दिया ताकि एक तरीके से उनके घर में जो धन संपदा है उसकी वृद्धि हो, उसमें बढ़ोतरी हो, उससे एक तरीके से उनके घर में सुख शांति वगैरह धन दौलत वो बढ़ जाए और उसको उनके मतलब उनको एक तरीके से सुख शांति मिले, वो खुश रहें। पर देखा जाए तो ये एक तरीके से गलत है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि इसका एक और मतलब है जो कि मैंने देखा हुआ है कि लोग जो है धनतेरस के दिन कुछ भी खरीदते हैं, झाड़ू हो गया कुछ भी, मतलब ऐसा वो कुछ ना कुछ खरीदते ही हैं, चाहे एक छोटा पेन पेंसिल ही क्यों ना हो धनतेरस के दिन, क्योंकि लोगों को ऐसा मानना है कि उस दिन अगर हम कुछ भी खरीदारी करते हैं तो वो एक तरीके से हमारे लिए या फिर हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए शुभ होता है और वो एक तरीके से धन संपदा में बढ़ोतरी करता है। पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सब गलत है, ये सब हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में जो धन का मतलब है, जो इन ये हम अगर इन पौराणिक कथाओं पर चलें तो धन का एक्चुअल में मतलब होता है आयुर्वेद। आयुर्वेद वह यानी कि स्वास्थ्य और सेहत। तो देखिए जैसा कि हमें बताया भी गया और हम सब जानते भी हैं कि हमें सोने चांदी के थाली में खाना चाहिए, तो इससे क्या होगी कि हमारी जो सेहत है वो अच्छी होगी और एक तरीके से हमारा जो स्वास्थ्य होगा वो बढ़िया होगा। पर लोगों ने इसको उल्टा मतलब निकाल लिया, उन्होंने क्या किया कि सोना चांदी के थाली में खाना छोड़ सोने चांदी की चीज़ें ही खरीदना शुरू कर दिया, तो जिससे हुआ ये कि धन संपदा तो बढ़ने लगे पर यहाँ पर सेहत का ख्याल उन्होंने रखा नहीं। तो इस तरीके से इस त्यौहार का एक्चुअल में मतलब ये है कि हमें अपने स्वास्थ्य और सेहत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से जैसा कि मैंने आपको बताया कि भगवान धन्वंतरी एक तरीके से आयुर्वेद के जनक हैं या फिर एक तरीके से उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं और उसका एक्चुअल में मतलब होता है सेहत और स्वास्थ्य। और यहाँ पर आयुर्वेद में भी या फिर वेदों में भी धन का एक्चुअल मतलब यही बताया गया है, और धन का मतलब क्या है, स्वास्थ्य और सेहत। तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि चीज़ों को खरीदने में और अपना पैसा इन्वेस्ट करने में। तो यहाँ पर यही मुझे एक शॉकिंग बात पता चली जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई सवाल या सुझाव तो कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।